ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी टीम का हेड कोच और मैनेजर नामज़द किया है। और माजी में ख्वाजा जुनैद इससे पहले भी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मैनेजमेंट में खिदमत अंजाम देते रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उन तमाम ओलंपियंस को ओहदे दे दिए हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर तनकीद कर रहे थे, चाहे चीफ सेलेक्टर ओलंपियन मंजूर जूनियर हों, सेलेक्टर वसीम फ़िरोज़ हों, या फिर अब ख्वाजा जुनैद इसमें एक नया इजाफा हैं। ख्वाजा जुनैद माजी में पाकिस्तान हॉकी के लिए क्या कर चुके हैं और अब उनसे जो उम्मीदें हैं, क्या वो इन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, एक बड़ा सवाल है। आज सेकेंड पॉइंट जो हमारा बेसिकली है वो है हमारा इन्हीं दो इवेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर ये दो इवेंट्स के लिए हम एक टीम मैनेजमेंट हमने अनाउंस करनी थी, जो मैंने चाहा कि आपके साथ मैं ये शेयर करूं। और उसमें हमने ख्वाजा जुनैद को मैनेजर और कोच रखा है और इनके साथ जो है अजमल खान है और वसीम अहमद और समीर हुसैन, ये हमारी ये नई जो है मैनेजमेंट होगी। और ये दोनों असाइनमेंट्स के लिए जो है ये मैनेजमेंट काम करेगी और इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट हमें देंगे और उसके बाद हम आगे देखेंगे हमारा लाइव मल क्या होता है।